दोस्तों, अगर आपकी भी नॉन स्टिक की कढ़ाई ख़राब हो गई है, उसके बीच के पेंट्स हट गए हैं और आप चाहते हैं कि सारा पेंट हटा दें और इसको थोड़ा नया बना दें, तो आपके लिए मैं एक बहुत ही मज़ेदार सा तरीका लेकर आई हूँ जिससे आपकी कढ़ाई बहुत ज़्यादा चमकदार बन जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने नॉन स्टिक का पैन लिया था और ये मैंने जो हम पेंट को साफ़ करते हैं जिस पेपर से, वही वाला हमें ले लेना है और इससे हमें एक से दो बार की रगड़ में ही जो कढ़ाई का पेंट है बहुत ईजिली छूट जाएगा। ये देख सकते हैं, मुश्किल से आपको एक बार में 3 से 4 बार ही रगड़ना है और उतने में ही जो पेंट है नॉन स्टिक का वो हट जाएगा। और ये देख सकते हैं कितना ईजिली हट रहा है, बहुत आसानी से हट जाता है। मैं बहुत परेशान थी, मैं सोच रही थी कि क्या करूं जिससे कि हमारी जो नॉन स्टिक की कढ़ाई बेकार हो गई है, देखने में भद्दा लग रहा है, उसको हम एकदम चमकदार बना दें। तो फिर मैंने दिमाग लगाया और मैंने देखा कि घर में ही ये बहुत आसानी से हो जाता है और मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो आपके साथ भी शेयर किया जाए। और ये देख सकते हैं, हमने कढ़ाई को मुश्किल से 10 मिनट हुआ मुझे साफ़ करते हुए और कितने अच्छे से पूरी कढ़ाई साफ़ हो गई है। ये देख सकते हैं, लग ही नहीं रहा है कि वही पुरानी गंदी पड़ी कढ़ाई जो थी हमारी वही है। बहुत ही आसानी से ये कढ़ाई हमारी 10 मिनट में ही बिना किसी झंझट का, ना ही आपको गैस पे कुछ रखना है ना जलाना है, फटाफट से ये एकदम चमकदार बन के तैयार हो गई है। अब आप इस कढ़ाई का यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें कुछ भी बना सकते हैं। बहुत चमकदार हमारी कढ़ाई हो गई है। तो आप भी इस ट्रिक को ज़रूर से फॉलो करें और हमें कॉमेंट करके बताएँ कि मेरी आज की वीडियो कैसी लगी और अपनी पुरानी गंदी मैली कढ़ाई को ज़रूर चमकाएँ इस आसान सी ट्रिक के साथ। तो गाइज, अगर मेरी आज की वीडियोज अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।